कॉम्बिनेशन है आपका पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, ये दोनों 13 सोशल साइंसेज जो एनसीटीई ने दी है, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उनमें ये शामिल है। इसका मतलब है एसएसटी के लिए आप एलिजिबल हो, आपको एडिशनल सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा, एसएसटी आपको चूज ही करनी चाहिए। लेकिन जो सीबीएसई है वो कहते हैं कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको मिनिमम वन ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए, दो साइंसेस में से एक हिस्ट्री या एक ज्योग्राफी ज़रूर चाहिए। मतलब आपके आपने वो नहीं पढ़ी, दैट इज़ वाई आप सेंट्रल बोर्ड में गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल नहीं हो। पंजाब में आप एलिजिबल बन रहे हो, प्रोवाइडेड कि आपके मार्क्स जो हैं मिनिमम जितने डिसाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो होते हैं। तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है, एसएसटी पंजाबी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, चूज़ कर लीजिए बिना किसी